Dressing up. Peppa और जॉर्ज मम्मी और डैडी के बेडरूम में खेल रहे हैं। ये क्या चीज है? Peppa को पुराने कपड़ों का एक बॉक्स मिलता है। वाओ! ये डैडी का हैट है और ये मम्मी की ड्रेस है। जॉर्ज, चलो तैयार होते हैं और मम्मी डैडी बनकर खेलते हैं। ये है डैडी का हैट और ये है डैडी का कोट। हेलो डैडी पिग। अब मेरी बारी है। ये मम्मी की ड्रेस है और ये मम्मी का हैट है। डैडी पिग, आपके जूते कहाँ हैं? और अब मुझे भी जूते चाहिए। अब मुझे सुंदर लगना है मम्मी की तरह। पेपा को मम्मी का मेकअप बॉक्स मिल गया। आहा! पहले थोड़ा पाउडर। बहुत प्यारी। अब थोड़ी लिपस्टिक। कितनी प्यारी मम्मी पिग है। आओ चले डैडी पिग, ये काम पर जाने का समय है। मम्मी पिग अपने कंप्यूटर पर काम कर रही है। हेलो पेपा। हेलो जॉर्ज। जरा माफ कीजिए। पेपा, मैं तो हेलो कह रही थी। मैं पेपा पिग नहीं हूँ, मैं हूँ मम्मी पिग। ओह हाँ, बिल्कुल। हेलो मम्मी पिग। हेलो। और ये है डैडी पिग। जॉर्ज। और आपको भी हेलो डैडी पिग। एक्सक्यूज मी, मुझे बहुत काम करना है। हेलो। हाँ, ऐसा करो वैसा करो, जैसा चाहे वैसा करो। गुड बाय। पेपा को मम्मी पिग बनकर मजा आ रहा है, लेकिन जॉर्ज बोर हो रहा है। माफ करना डैडी पिग, बस पूरा होने वाला है। लो, हो गया। चलो डैडी पिग, ये आपके काम का समय है। गुड बाय मम्मी पिग और डैडी पिग। गुड बाय। डैडी पिग गार्डन में खुदाई कर रहे हैं। हेलो पेपा। हेलो जॉर्ज। मैं पेपा नहीं हूँ, मैं मम्मी पिग हूँ और ये डैडी पिग है। डैडी पिग यहाँ कुछ काम करने आए हैं। आप बहुत अच्छे हैं डैडी पिग, थोड़ा ध्यान रखना, ये बहुत गहरा गड्ढा है। उम्मीद है आप अपने अच्छे कपड़े पहनकर खुदाई नहीं कर रहे हैं डैडी पिग। मैं भी खुदाई करना चाहती हूँ। सबके लिए आइसक्रीम। आइसक्रीम? पेपा, जॉर्ज, तुम्हें खाने से पहले ये गंदे कपड़े उतार देने चाहिए। मैं हूँ मम्मी पिग और ये है डैडी पिग। तुम्हें यकीन है? हाँ। तो पेपा और जॉर्ज कहाँ हैं? हम नहीं जानते। ये दुख की बात है, क्योंकि मैं उनकी मनपसंद आइसक्रीम यहाँ लाई हूँ। अगर वो यहाँ नहीं है तो हम यहाँ हैं। पेपा, जॉर्ज, तुम यहाँ हो। हाँ मम्मी, हम आप और डैडी बनकर खेल रहे थे। तुमने सच में हमें बुद्धू बनाया। नई गाड़ी। आज पेपा और उसका परिवार उनकी लाल गाड़ी में घूमने जा रहा है। क्या हम छत नीचे कर लें? हाँ प्लीज।
पापा और जॉर्ज को उनकी गाड़ी पसंद है। तो क्या सब तैयार हैं? तैयार। तो चलो चले। मुझे अपनी गाड़ी पसंद है। और हमारी गाड़ी भी हमें पसंद करती है कि नहीं? ओहो, गाड़ी में कुछ खराबी है शायद। क्या हुआ डैडी? मुझे पता नहीं। चलो इसे दादा डॉग की गैराज में ले चलते हैं, वो इसे ठीक कर देंगे। ये बहुत अच्छा आइडिया है। दादा डॉग का गैराज है, वो गाड़ियाँ ठीक करते हैं। ओहो डैडी पिग, आपकी गाड़ी में तो खराबी है। क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं दादा डॉग? हाँ, लेकिन इसमें पूरा दिन लग जाएगा। हम सब अपनी गाड़ी में घूमने जा रहे थे। फिक्र मत करो, तुम्हारी गाड़ी ठीक होने तक मेरी गाड़ी ले जाओ। थैंक यू दादा डॉग। क्या तुम्हें छत नीचे चाहिए? हाँ प्लीज। तो मैं बस इस लाल बटन को दबा देता हूँ। कितनी अच्छी गाड़ी है। तुम्हारे वापस आने तक मैं तुम्हारी गाड़ी ठीक कर दूंगा। थैंक यू दादा डॉग। गुड बाय। बाय। गुड बाय। पेपा और उसके परिवार को नई नीली कार पसंद है। इस नई गाड़ी में तो बहुत सारे बटन्स हैं। हरे बटन से क्या होता है डैडी? चलो देखते हैं। जादुई खिड़कियाँ। डैडी, जादुई खिड़कियों को नीचे कर दो। नीले बटन से क्या होता है डैडी? मुझे नहीं पता, चलो देखते हैं। मुझे ये नई गाड़ी पसंद है, क्या हम इसे रख सकते हैं? नहीं, हम इसे नहीं रख सकते पापा, हमने बस ये आज के लिए ली है। ओह नहीं, लगता है बारिश होने वाली है। हाँ, तो मैं छत ऊपर कर देता हूँ। तो कौन सा बटन कहा था उन्होंने? मैं कितना बुद्धू हूँ। ये रहा वो बटन। नई कार ने डैडी पिग पर पानी उछाल दिया। बुद्धू डैडी, वो गलत बटन है। तो ये बटन रहेगा। ओप्स, ये तो नहीं है, तो ये रहेगा। डैडी पिग भूल गए हैं कि कौन से बटन से छत ऊपर होती है। ये गाड़ी शायद मुझे पसंद नहीं करती। हम लाल बटन दबा कर देखते हैं। हुरे! लेकिन बारिश अब रुक गई। क्या फिर से छत नीचे कर दे? क्यों नहीं, लेकिन कौन सा बटन था? लाल वाला। हुरे! दादा डॉग ने गाड़ी को ठीक कर दिया। तुम्हारी गाड़ी ठीक हो गई। हुरे! थैंक यू दादा डॉग, ये रहे तुम्हारे पैसे। थैंक यू डैडी पिग। गुड बाय। गुड बाय। गुड बाय। बाय बाय। अच्छा हुआ हमें अपनी कार वापस मिल गई। मुझे नई गाड़ी अच्छी लगी, लेकिन अपनी गाड़ी ज्यादा अच्छी लगती है। और मुझे लगता है कि हमारी गाड़ी भी हमें बहुत पसंद करती है ना? पैनकेक्स। चाय का वक्त है और मम्मी पिग सबको सरप्राइज देने वाली हैं। आज है पैनकेक्स का दिन। पैनकेक्स, यम्मी, अरे वाह। मुझे पैनकेक्स बहुत पसंद है। सबको पैनकेक्स बहुत पसंद है। मैं पैनकेक्स पलटने में बहुत ही माहिर हूँ, ये मुझ पर छोड़ दो। पक्का ना डैडी पिग? पिछली बार पैनकेक जमीन पर गिराने से आप जरा चिड़चिड़े हो गए थे। मैं चिड़चिड़ा नहीं हुआ था, वो तो उस तवे की प्रॉब्लम थी। मामी, क्या हम भी पैनकेक बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं? तुम आटा बनाने में मेरी मदद कर सकते हो।
पहले मैं बाउल में सूखा आटा डालूंगी। अब मैं अंडा डालूंगी। अब दूध, फिर सबको हिलाऊंगी। मम्मी क्या मैं कर सकती हूँ? हाँ जरूर पेपा। पेपा को ये करने में बहुत मजा आ रहा है। जॉर्ज भी उसका साथ दे रहा है। नहीं जॉर्ज, ऐसे मत करो। अच्छा अब बहुत हुआ हिलाना। मैं पैनकेक्स बनाती हूँ, तुम दोनों टेबल पर बैठो। मम्मी पिग अब पैनकेक को पलटेंगी। उसे थोड़ा और ऊपर उछाल सकती हो मम्मी पिग। जब अपना पैनकेक उछालोगे ना, तब हमें सिखाना डैडी पिग। मम्मी पिग ने जॉर्ज के पैनकेक के ऊपर थोड़ा सिरप डाला। यम्मी। ये पैनकेक पेपा के लिए है। तुम इसे और ऊपर उछाल सकते हो मम्मी पिग। जब अपना पैनकेक उछालोगे तब मुझे दिखाने का चांस तुम्हें मिलेगा डैडी पिग। सिरप प्लीज। यम्मी। ये पैनकेक मम्मी पिग के लिए है। हुरे! अब भी उन्हें ज्यादा ऊंचा नहीं उछाल रही मम्मी पिग। अगला पैनकेक आपका ही है डैडी पिग, तो अब आप ही करके बताइए। बहुत यम्मी है। अब सबकी नजर मुझ पर हो। एक अच्छा पैनकेक बनाने का राज उसे हवा में ऊपर उछालना होता है। एक, दो और तीन। बुद्धू डैडी। ओह, मैंने कुछ ज्यादा ही ऊपर उछाल दिया। अब क्या करें? ये तो आखिरी पैनकेक था। इसे नीचे लाना बहुत ही आसान है। ओफो, डैडी पिग अपने पैनकेक तक नहीं पहुंच पा रहे। अब फिक्र मत करो डैडी पिग, शायद उसे मैं निकाल सकती हूँ। चलो ऊपर चले बच्चों। मम्मी पिग क्या प्लान बना रही हैं? तीन की गिनती होने पर हम सबको ऊपर नीचे कूदना है, ठीक है? एक, दो, तीन, कूदो। ये सब कर क्या रहे हैं? काम हो गया। अब डैडी पिग को उनका पैनकेक मिल गया। डैडी के सिर पर पैनकेक है। आपके पैनकेक पर सिरप डैडी पिग? ठीक है, डालो। एक, दो और तीन। यम्मी पैनकेक। प्यारा और सुनहरा दिन है। पेपा और जॉर्ज पिकनिक मना रहे हैं। ये लो तुम्हारे लिए ऑरेंज जूस। क्या कहना चाहिए टेडी? बहुत बहुत थैंक यू पेपा। ओ कोई बात नहीं टेडी। और ये है ऑरेंज जूस तुम्हारे लिए डायनासोर। और तुम्हें क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छे मिस्टर डायनासोर। क्या टेडी और मिस्टर डायनासोर को कुकी चाहिए? ओ, हमें बहुत भूख नहीं है, इसीलिए पेपा और जॉर्ज सारी कुकीज खा सकते हैं। थैंक यू टेडी। ये अजीब आवाज कैसी? पेपा, जॉर्ज, जल्दी घर के अंदर आ जाओ। मम्मी, एक बहुत ही डरावनी आवाज आई। ये गड़गड़ाहट है पेपा, इसका मतलब बहुत ज्यादा बारिश के साथ तूफान आएगा।
जल्दी बारिश शुरू होने से पहले घर के अंदर आओ। ओ, घबराओ मत, बारिश आने में अभी बहुत देर है। आकाश ज्यादा और ज्यादा गहरा होता जा रहा है, तूफान आने वाला है। पापा, जॉर्ज, क्या तुमने बगीचे से अपने सारे खिलौने लाए? डायनासोर। अच्छा है, मिस्टर डायनासोर सुरक्षित हैं। डैडी, मैंने डैडी को वहीं पर छोड़ दिया, वो गीला हो जाएगा। चिंता मत करो पेपा, डैडी पिक तुम्हारा डैडी ले आएंगे। जल्दी करो डैडी पिक, अभी बारिश होने वाली है। मुझे तूफानों के बारे में सब पता है, अभी तो बारिश आने में बहुत वक्त है। मुझे लगा ही था बारिश होने में अभी बहुत वक्त है। बेचारा टेडी पूरा भीग गया। हाँ बेचारा टेडी, चलो उसे सुखाते हैं। बेचारा टेडी। ये लो टेडी, तुम सूख गए। पर बेचारे डैडी का क्या, मैं भी तो भीग गया हूँ। ओ सॉरी डैडी पिग, आपको भी सुखा देते हैं। ये देखो डैडी पिग, बिल्कुल सूख गए। बारिश का पानी घर के अंदर आ रहा है, फर्श गीली हो रही है। अरे बाप रे, अब हम क्या करेंगे डैडी पिग? चिंता की कोई बात नहीं। डैडी पिग बूंदें इकट्ठा करने के लिए बाल्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। शाबाश डैडी पिग, बहुत ही आसान था। ये क्या? जल्दी पानी जमा करने के लिए कुछ और लेकर आओ। बहुत अच्छे पेपा, बहुत ही आसान था। मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत बच्चों, कुछ नहीं होगा। हर एक चमक और शोर के बीच गिनती करते हैं, और ज्यादा गिनती करने से तूफान दूर चला जाएगा। एक, दो, तीन। तीन पर। एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच पर। तूफान दूर जा रहा है। तूफान शांत हो गया है। तूफान की वजह से बगीचे में मिट्टी के कई गड्ढे बने हैं। पेपा को मिट्टी के गड्ढों में कूदना बहुत पसंद है। सभी को मिट्टी के गड्ढों में कूदना पसंद है। मुझे तूफान बहुत पसंद है, उनकी वजह से मिट्टी के गड्ढे बनते हैं। चपक 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 चपक। The museum. पेपा और उसका परिवार म्यूजियम जा रहे हैं। डैडी, म्यूजियम क्या होता है? ऐसी जगह जिसमें बहुत पुरानी और दिलचस्प चीजें होती हैं। आपसे भी पुरानी? हाँ, मुझसे बहुत बहुत पुरानी। बहुत ही पुरानी। एक कमरे में राजा और रानियों की बहुत सारी चीजें भरी पड़ी हैं। हाँ, मुझे राजा रानी का कमरा देखना है। वहाँ और एक कमरा है जिसमें असली डायनासोर है। वो डायनासोर। हेलो मम्मी पिग। हेलो मिस रैबिट, कितने टिकट चाहिए आपको? दो बड़े और दो बच्चे। डायनासोर। और एक डायनासोर। पेपा को वो कमरा देखना है जिसमें कई साल पहले हुए राजा और रानियों की चीजें हैं। वाह, डायनासोर। पर जॉर्ज को असली डायनासोर देखना है। रोना मत जॉर्ज, इसके बाद हम डायनासोर देखने जाएंगे। पेपा, ये सारी चीजें कई साल पहले रानी इस्तेमाल करती थी। ये है रानी की खास कुर्सी, उसे सिंहासन कहते हैं। बहुत सुंदर है।
ये है रानी की ड्रेस। कितनी प्यारी है। देखो पेपा, ये है रानी का सोने का मुकुट। वाव, बहुत सुंदर है। मम्मी, रानी का टीवी कहाँ है? पेपा, उस समय टीवी नहीं होते थे। टीवी नहीं थी? पर क्या उनके पास कंप्यूटर थे? नहीं, उस समय कंप्यूटर भी नहीं थे। वो दिन भर क्या करते थे? मामी, अगर मैं रानी होती तो जितना चाहूं उतना केक खाती। पेपा खुद को रानी समझ रही है। यम्मी। क्या आपको कुछ और चाहिए रानी पेपा? हाँ, और केक प्लीज। अभी ला कर देती हूँ। चलो अभी सब लोग। आ रही हूँ डैडी। डैडी, मैं हूँ रानी पेपा। मुझसे बात करते वक्त आपको झुकना होगा। ओह, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए रानी साहिबा। और वैसे आप क्या करते हैं? मैं आपका डैडी हूँ। ये तो बड़ा मजेदार काम होगा। हाँ, बड़ा ही मजेदार काम है ये। और ये कौन सा कमरा है? ये डायनासोर का कमरा है। डायनासोर का कमरा? जॉर्ज, ये डायनासोर का कमरा है। डायनासोर कहाँ है? वो कहीं कमरे में ही है। मुझे नहीं दिख रहा, लगता है बहुत ही छोटा डायनासोर है। असल में पेपा, वो बहुत ही बड़ा है। वाह! ये असली डायनासोर की हड्डियां है। जॉर्ज खुद को डायनासोर समझ रहा है। डायनासोर आ गया! बचाओ, बचाओ! डायनासोर का कमरा जॉर्ज को सबसे ज्यादा पसंद है। राजा और रानी का कमरा मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। और लगता है डैडी पिग पहले ही अपनी पसंद के कमरे में चले गए। वो कौन सा कमरा है मम्मी? जिस कमरे में केक्स है। डैडी पिग को पसंद है म्यूजियम का कैफे। चलो आकर खा लो। ओह हाँ, ये सबसे अच्छा कमरा है। पेपा और जॉर्ज अपने कमरे में अपने खिलौनों के साथ खेल रहे हैं। जॉर्ज, चलो गुड़िया और डायनासोर्स के साथ खेलते हैं। वो क्या है? एक भयंकर राक्षस है। डायनासोर। ये एक डायनासोर है। बचाओ, बचाओ! डैडी पिग बाहर के कमरे में अखबार पढ़ रहे हैं। मम्मी पिग अपनी किताब पढ़ रही है। वो क्या कर रही हैं? पेपा, जॉर्ज, क्या चल रहा है? ये इतना शोर कैसा? वो बचाओ! ये क्या हो रहा है? कितना शोर कर रहे हो? और फर्श पर ये कितना सामान पड़ा है? इस पर गिरकर किसी को चोट लग सकती है। कोई सचमुच गिरा है और उसे चोट भी लगी है। अरे बाप रे, बेचारे डैडी पिग। अब चलो बच्चों, थोड़ी साफ सफाई कर ले। पर मम्मी, हम गुड़िया और डायनासोर से खेल रहे हैं। सफाई करने के बाद तुम खेल सकते हो। पर ये तो सारा जॉर्ज का सामान है। अच्छा, सचमुच? तो ये जॉर्ज का ही खूबसूरत ड्रेस होगा, है ना? नहीं। शायद थोड़ा सा सामान मेरा है। तो चलो, मैं सफाई करने में जॉर्ज की मदद करूंगा और मम्मी पिग पेपा की। क्यों ना हम रेस करें लड़कियां और लड़कों के बीच। बेहतरीन आइडिया है। देखते हैं पहले सफाई कौन करता है। एक, दो, तीन।
हम जीत रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रहा। ओह, ये क्या है? टेडी, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। जल्दी पापा, टेडी को अपने खिलौने के बक्से में रखो। डाल दिया। अब ये किताबें। बढ़िया। ये क्या है यहाँ? डायनासोर। सही कहा, डायनासोर की किताब है। ये जॉर्ज की पॉपअप किताब है। ये टायरानोसोरस रेक्स है। टायरानोसोरस रेक्स। सही कहा। तो ये तो ब्रोंटोसोरस है। ब्रोंटोसोरस। बिल्कुल सही। और ये है ट्राइसेराटॉप्स। ट्राइसेराटॉप्स। सही कहा जॉर्ज। जॉर्ज को डायनासोर्स बहुत पसंद है। डैडी, जॉर्ज, आपने सफाई करना रोक दिया है। आप रेस हार जाओगे। अरे हाँ, रेस हार जाऊंगा। चलो जॉर्ज, ये किताब वापस रख दो। डैडी, आप बहुत धीरे धीरे सफाई कर रहे हैं। मम्मी और मैं जीतने वाले हैं। नहीं, हम जीतने वाले हैं। हम जीत गए। नहीं, हम जीत गए। हम सब जीत गए। देखो कमरा कितना साफ लग रहा है। कितना साफ कमरा है। सबको शाबाशी। मम्मी, अब जब हमने कमरा साफ किया है तो क्या हम गुड़िया और डायनासोर से खेल सकते हैं? हाँ, अब तुम अपना खेल शुरू कर सकते हो। यिप्पी! मेरी सारी गुड़िया कहाँ है? मिस्टर डायनासोर कहाँ है? मिल गए। डायनासोर। ये डायनासोर है। बचाओ, बचाओ। कमरा फिर से गंदा हो गया। चलो, थोड़ी देर के लिए तो साफ था। दादा पिग की बोट। दादा पिग, पेपा और जॉर्ज दिन भर नदी पर घूमने जा रहे हैं। तुम्हारा स्वागत है प्यारे बच्चों। पेपा, जॉर्ज, चलो लाइफ जैकेट्स पहन लो। दादा पिग की बोट पर पेपा और जॉर्ज को लाइफ जैकेट्स पहनने ही पड़ते हैं। पता है बच्चों, इस बोट का कैप्टन मैं हूँ। आई आई कैप्टन। आई आई कैप्टन। जब कैप्टन दादा तुम सबको कुछ करने के लिए कहते हैं तो तुम्हें वो करना चाहिए। बेवकूफी छोड़कर। कैप्टन दादा कोई बेवकूफी वाली बात नहीं करते। बिल्कुल नहीं कैप्टन दादा। जॉर्ज, झंडा लहराओ। पेपा, बेल बजाओ। आई आई कैप्टन। दादी पिग, व्हील संभालो। आई आई कैप्टन। चलो चलते हैं। तेज चलो। शायद आपको थोड़ा धीरे चलाना चाहिए। तुमने सही कहा दादी पिग, मुझे अपना सारा पेट्रोल खत्म नहीं करना है। दादा पिग, तेज चलिए ना, अच्छा लग रहा था। जाएंगे बेटा, जाएंगे, हम बाद में तेज जाएंगे। देखिए एक और बोट। ये है दादा डॉग। वो डैनी को दिन भर नदी पर घुमाने लेकर आए हैं। कैसे हो डैनी और दादा डॉग? अहो, कैसे हो दादा पिग? हेलो डैनी। हेलो पेपा। दादा डॉग दादा पिग के बेस्ट फ्रेंड हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारी बोट अभी भी तैर रही है दादा डॉग। वो तो तुम्हारी जितनी ही पुरानी है। ये पुरानी बोट तुम्हारी जंग लगी बाल्टी से ज्यादा तेज चलती है दादा पिग। ओ अच्छा, तो चलो समुद्री डॉग रेस लगा कर देखते हैं। हारने के लिए तैयार हो जाओ पानी पिग। आप दोनों छोटे बच्चों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। दादा डॉग ने मुझे पानी पिग कहा। आपने पहले उन्हें समुद्री डॉग कहा दादा,
आपको सॉरी बोलना चाहिए। अगर उसने पहले सॉरी बोला तो बोलूँगा। दादा, अपने दोस्त दादा पिग को सॉरी बोलिए, वो आपके बेस्ट फ्रेंड है ना? नहीं, वो पानी पिग है और मेरी बोट उसकी बोट से ज्यादा तेज है। अच्छा तो ठीक है समुद्री डॉग, अगले ब्रिज तक रेस लगाते हैं। तो चलो तीन तक गिनते हैं। एक, दो, तीन। तुमने बहुत जल्दी शुरू किया। मुझे पकड़ के दिखाओ पानी पिग। समुद्री डॉग, बस इतना ही तेज भगा सकते हो तुम, मुझे नहीं पकड़ सकते। मैं जीत गया। ओ, ये क्या, दादा पिग की बोट का पेट्रोल खत्म हो गया। बहुत होशियारी की कैप्टन दादा। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही तेज चला दी। हम वापस घर कैसे जाएंगे? वो देखिए दादा डॉग। दादा डॉग हमें खींच कर वापस ले जाएंगे। नहीं, मुझे उस समुद्री डॉग से अपनी बोट को नहीं खिंचवाना। मैंने उस पानी पिग को खींचने के लिए पूछा भी नहीं। क्या आप दोनों कभी बड़े होंगे? दादा पिग, अब दादा डॉग को सॉरी बोलिए। मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें समुद्री डॉग कहा। दादा, दादा पिग को सॉरी बोलिए ना। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पानी पिग कहा। बहुत अच्छे दादा डॉग, क्या आप हमें खींच कर घर तक ले जाएंगे? और ये करने में मुझे बहुत ही खुशी होगी मैडम। इसे पकड़ो कैप्टन। ऑल राइट स्किपर। दादा डॉग दादा पिग के बेस्ट फ्रेंड हैं। दादा डॉग दादा पिग की बोट को खींच कर घर ले जा रहे हैं। सबसे मजेदार बात तो ये है कि मैं रेस जीत गया। दादा पिग शरारती दादा पिग। पेपा, बेल बजाओ। आई आई कैप्टन। शॉपिंग। पेपा और जॉर्ज शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। पेपा और जॉर्ज को शॉपिंग पसंद है। जॉर्ज को ट्रॉली में बैठना बहुत पसंद है और पेपा को भी। डैडी, क्या मैं भी इस ट्रॉली में बैठ सकती हूँ? तुम इस ट्रॉली के लिए बहुत ही बड़ी हो। पर तुम शॉपिंग में मदद कर सकती हो। अरे वाह, देखो हमारी लिस्ट में चार चीजें हैं। टमाटर, नूडल्स, प्याज और फल। मैं सब ढूंढ लूंगी। इस तरफ। पेपा और जॉर्ज को शॉपिंग बहुत पसंद है। पेपा, पहले हमें टमाटर लेने हैं। मुझे दिख गए, मुझे दिख गए। ये देखो टमाटर मम्मी। शाबाश पेपा। एक, दो, तीन, चार। अब उन्हें ट्रॉली में डालो। मुझे टमाटर मिल गए। शाबाश पेपा। टमाटर, लिस्ट की एक चीज मिल गई है। अब लिस्ट में दूसरी चीज क्या है? नूडल्स। डूडल्स। सही कहा जॉर्ज, लेकिन उसे नूडल्स कहते हैं। डूडल्स। नूडल्स पेपा और जॉर्ज का पसंदीदा खाना है। अब ये नूडल्स कहाँ पर मिलेंगे? मुझे दिख गए, इस तरफ। नूडल्स, देखो मम्मी, ये रहे नूडल्स। शाबाश पेपा, अब चलो जल्दी से इन्हें ट्रॉली में डालो। ठीक है मम्मी। नूडल्स। जॉर्ज, इसे कहते हैं नूडल्स। नूडल्स। अब लिस्ट में आगे क्या है पप्पा? चिप्स। चिप्स तो लिस्ट में नहीं है। हमारे घर में बहुत सारे चिप्स हैं पप्पा। जरा याद करो। मुझे नहीं याद आ रहा डैडी। क्या तुम्हें याद है जॉर्ज? डायनासोर। डायनासोर? जॉर्ज, यहाँ पर डायनासोर नहीं मिलता बुद्धू। नहीं जॉर्ज, लिस्ट पर अगली चीज है प्याज। प्याज, अभी याद आया। मम्मी ये रहे। शाबाश। एक, दो, तीन, चार। प्याज। शाबाश,
अपने लिस्ट की लगभग सारी चीजें मिल गई। लिस्ट की बस एक ही चीज बची है। पौधा, क्या ये लिस्ट में है? नहीं नहीं जॉर्ज, लिस्ट पर आखिरी चीज फल है। कोई बात नहीं जॉर्ज, तुम फल चुन सकते हो। फल कहाँ है? वहाँ पर। वहाँ सेब हैं, केले हैं, संतरे हैं और एक बहुत बड़ा तरबूज भी। कौन से फल लें जॉर्ज? सेब, संतरे, केले, तरबूज। इस काउंटर पर सारी चीजों के पैसे चुकते करते हैं। टमाटर, नूडल्स, प्याज, तरबूज, चॉकलेट केक। चॉकलेट केक? चॉकलेट केक? क्या ये लिस्ट में है? पेपा, क्या तुमने चॉकलेट केक ट्रॉली में रखा? नहीं मम्मी। जॉर्ज, क्या तुमने चॉकलेट केक ट्रॉली में रखा? नहीं। मैंने भी तो नहीं रखा। फिर किसने रखा? मुझे लगा पुडिंग के लिए अच्छा होगा। डैडी पिग। शरारती डैडी। सॉरी, लेकिन ये कितना यमी लग रहा है ना? यमी तो लग रहा है। ओ, हम मान लेते हैं कि वो लिस्ट में था। चॉकलेट केक। हुर्रे! पेपा और उसका परिवार ग्रैनी पिग और ग्रैंडपा पिग से मिलने आए हैं। ग्रैनी पिग, ग्रैंडपा पिग, ग्रैनी पिग, पापा पिग। हेलो मेरे छोटे बच्चों, अंदर आ जाओ, हमारे पास एक सरप्राइज है। वो क्या है? हमारे पास है एक नया पेट, क्या बता सकते हो वो क्या है? डायनासोर। अरे नहीं, डायनासोर नहीं है वो। आओ और देखो। ग्रैनी पिग और ग्रैंडपा पिग के पास है एक पेट पैरेट। पेपा, जॉर्ज, ये है हमारा पेट पैरेट। इसका नाम है प्रिटी पॉली। प्रिटी पॉली। प्रिटी पॉली। मैं एक होशियार पैरेट हूँ। मैं एक होशियार पैरेट हूँ। मम्मी, ग्रैनी जो भी कहती है पॉली उसकी नकल क्यों करता है? पैरट्स ऐसा ही करते हैं। चलो दिखाती हूँ। हेलो पॉली। हेलो पॉली। कितना प्यारा सा पैरट है। कितना प्यारा सा पैरट है। आ जाओ सब लोग, चाय पीते हैं। पेपा, जॉर्ज, आ जाओ, यहाँ चॉकलेट केक है। अरे ग्रैनी। पेपा और जॉर्ज को चॉकलेट खाना पसंद है, लेकिन आज वो वापस जाकर पॉली पैरेट के साथ खेलने की जल्दी में है। खत्म हो गया। तुम बच्चे कितना शोर करते हो। ग्रैनी, क्या हम दोनों जाकर पॉली पैरेट को देख सकते हैं? क्या तुमने अपना चॉकलेट केक पूरा खत्म कर लिया? फिर तुम जा सकते हो। जॉर्ज, पॉली को कुछ कहो ना। जॉर्ज थोड़ा झिझक रहा है। हेलो। हेलो। पेपा और जॉर्ज को पॉली पैरेट के साथ खेलने में सच में मजा आ रहा है। मैं हूँ पेपा पिग। मैं हूँ पेपा पिग। जॉर्ज, कुछ बोलो। पेपा और जॉर्ज पैरेट बनने का नाटक कर रहे हैं। Hee 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 hee
पेपा पॉली पैरेट को कहने के लिए कुछ और सोच रही है। मैं एक बातूनी पैरेट हूँ। मैं एक बातूनी पैरेट हूँ। पेपा, जॉर्ज, क्या तुम पॉली के साथ खेल रहे हो? जी ग्रानी। पॉली सच में एक प्यारा पैरेट है। हाँ ग्रानी। मैं एक होशियार पैरेट हूँ। मैं एक बातूनी पैरेट हूँ। मैं एक बातूनी पैरेट हूँ। ओ क्या कहूँ? ओहो! गार्डनिंग। पेपा और जॉर्ज ग्रैनी पिग और ग्रैंडपा पिग के घर खेल रहे हैं। ग्रैंडपा पकड़ो। पकड़ो। ओ ये क्या है? डायनासोर। एक डायनासोर। ग्रैंडपा क्या कर रहे हैं? मैं ये बीज बो रहा हूँ। बीज? बीज क्या करते हैं? बीज बड़े होकर पौधे बनते हैं। मैं बस एक छोटा छेद बनाऊंगा और उसमें बीज डाल दूंगा। फिर मैं इसे मिट्टी से ढक दूंगा और पानी डालूंगा। मेरे बाग की हर चीज इन छोटे बीजों से ही उगी है। ये बड़ा सेब का पेड़ भी? ओ हाँ, ये छोटा बीज बड़ा होकर एक छोटा सेब का पेड़ बन जाएगा इस तरह। और ये छोटा सेब का पेड़ बन जाएगा एक बड़ा सेब का पेड़ इस तरह। और इस सेब में बहुत सारे बीज हैं। और सेब के पेड़ उगाने के लिए? बिल्कुल ठीक। ग्रैंडपा, ग्रैंडपा, मुझे भी एक बीज लगाना है। क्या तुम एक स्ट्रॉबेरी का बीज लगाओगी? हाँ बिल्कुल। ये बीज बढ़कर एक प्यारा स्ट्रॉबेरी का पौधा बन जाएगा। पहले एक छोटा छेद बनाओ। फिर मैं ये बीज डालूंगी और मिट्टी से ढक दूंगी। क्या मैं इसमें पानी डालूं? नहीं नहीं, मैं पानी डालूंगी। ठीक है, अब हमें इसके बढ़ने का इंतजार करना है। पेपा और जॉर्ज बीज के बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तुम्हें धीरज रखना होगा पेपा, इसको बढ़ने में बहुत समय लगेगा। पेपा, जॉर्ज, घर जाने का समय हो गया। लेकिन हम इस पौधे के बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। मुझे चाय के साथ स्ट्रॉबेरी चाहिए। चिंता मत करो पेपा, अगली बार जब तुम आओगी तो ये बीज एक पौधा बन चुका होगा। और फिर हमें स्ट्रॉबेरीज मिलेंगी। हाँ। आओ चले पेपा। बाय बाय ग्रैंडपा, बाय बाय स्ट्रॉबेरी। ग्रैंडपा पिग पेपा के स्ट्रॉबेरी के पौधे की देखभाल करते हैं। कुछ दिनों बाद ग्रैंडपा पिग एक छोटे से पौधे को बड़ा हुआ देखते हैं। धीरे धीरे पौधा बड़ा और बड़ा होता गया। फिर एक दिन ग्रैंडपा पिग को बहुत खास कुछ दिखा। स्ट्रॉबेरीज। ग्रैंडपा हम आ गए। पेपा और जॉर्ज फिर से खेलने आए हैं। ग्रैंडपा, ग्रैंडपा, क्या मेरा पौधा बढ़ गया? हाँ, देखो। स्ट्रॉबेरीज। शुक्रिया ग्रैंडपा। ग्रैंडपा, क्या हम कुछ और उगा सकते हैं? हाँ, अब जॉर्ज की बारी है लगाने की। हाँ जॉर्ज, तुम लगाओ गाजर। ग्रैंडपा, मेरे ख्याल से जॉर्ज गाजर लगाना चाहता है। जॉर्ज,
क्या तुम गाजर उगाना चाहते हो? ना। तुम क्या उगाना चाहते हो? जॉर्ज ने कुछ सोच लिया है जो वो उगाना चाहता है। डायनासोर। जॉर्ज उगाना चाहता है एक डायनासोर पेड़। तुम भी जॉर्ज, डायनासोर पेड़ पर नहीं उगते हैं। डायनासोर। Frogs and worms and butterflies. Peppa और जॉर्ज गार्डन में ग्रैंडपा की मदद कर रहे हैं। वाह! कितनी सुंदर बटरफ्लाई है। ग्रैंडपा, बटरफ्लाइज को फूल क्यों पसंद है? उन्हें फूलों से अपना खाना मिलता है। कैसे? उनकी बहुत लंबी जीभ होती है। मुझसे भी लंबी? ओ हाँ, बटरफ्लाई की जीभ तुम्हारी जीभ से भी लंबी होती है। इससे वो फूलों का रस पीती है। वाओ! पेपा, बटरफ्लाई को लगता है कि तुम एक फूल हो। लेकिन मैं फूल नहीं हूँ, मैं पेपा पिग हूँ। ये कितनी प्यारी है, मैं एक बटरफ्लाई बनना चाहती हूँ। पेपा बटरफ्लाई बनकर खेल रही है। मैं एक छोटी बटरफ्लाई हूँ। जॉर्ज भी खेलना चाहता है। जॉर्ज, मैं बटरफ्लाई हूँ, तुम कुछ और क्यों नहीं बन जाते? मुझे पता है, तुम रेंगने वाले वर्म बन सकते हो। देखो देखो, मैं एक बटरफ्लाई हूँ। ओह डियर, जॉर्ज वर्म नहीं बनना चाहता, वो बटरफ्लाई बनना चाहता है। जॉर्ज, जब मैं छोटा पिगी था, मुझे वर्म बनकर खेलना पसंद था। वर्म बनना बहुत आसान है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे। पहले तुम्हें जमीन पर लेटना होगा, फिर इस तरह रेंगना होगा। मैं एक रेंगने वाला वर्म हूँ। जॉर्ज और ग्रैंडपा पिग को रेंगने वाले वर्म्स बनकर बहुत मजा आ रहा है। मैं एक छोटी बटरफ्लाई हूँ, मैं एक छोटी बटरफ्लाई हूँ। देखो देखो, मैं एक छोटी बटरफ्लाई हूँ। हाँ पेपा, तुम एक सुंदर बटरफ्लाई हो। ग्रैंडपा जॉर्ज, अब क्या कर रहे हैं? हम रेंगने वाले वर्म्स हैं। मैं भी रेंगने वाला वर्म बनना चाहती हूँ। मैं रेंगने वाली वर्म हूँ। मैं एक रेंगने वाली वर्म हूँ। मैं हूँ रेंगने वाली वर्म, मैं हूँ रेंगने वाली वर्म। आप कैसे हैं? आप मुझे अच्छे लगते हैं। मैं हूँ रेंगने वाली वर्म। वो बहुत अच्छा था। अब तुम कौन सा जानवर बनना चाहते हो? मैं नहीं जानती। देखो ग्रैंडपा, यहाँ एक छोटा फ्रॉग है। तुम फ्रॉग बनकर क्यों नहीं खेलते? फ्रॉग इतने प्यारे नहीं होते जितने बटरफ्लाई, और वो ऐसे नहीं रेंगते जैसे वर्म। लेकिन फ्रॉग से एक खेल खेलते हैं जो तुम्हें पसंद है। क्या फ्रॉग गुड़ियों का घर खेलते हैं? प्यारी पेपा, तुम्हारा मन पसंद खेल क्या है? मिट्टी के गड्ढों में खेलना। हाँ, फ्रॉग्स को पसंद है मिट्टी के गड्ढों में खेलना। हाँ जॉर्ज, चलो फ्रॉग बन जाते हैं। मैं एक छोटी फ्रॉगी हूँ। मैं एक छोटी फ्रॉगी हूँ। फ्रॉगीज को खेलने के लिए एक अच्छा बड़ा मिट्टी का गड्ढा मिल गया। पेपा और जॉर्ज को मिट्टी के गड्ढों में ऊपर नीचे कूदना अच्छा लगता है। सबको मिट्टी के गड्ढों में ऊपर नीचे कूदना अच्छा लगता है। बटरफ्लाइज और वर्म्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मुझे फ्रॉग ज्यादा अच्छे लगते हैं।
Best friend. पेपा अपनी सबसे अच्छी सहेली सूजी शीप का इंतजार कर रही है। हेलो सूजी। हेलो पेपा। सूजी शीप पेपा के साथ खेलने के लिए आई है। पेपा को सूजी पसंद है, सूजी को पेपा पसंद है, वो पक्की सहेलियां हैं। पेपा, क्यों ना तुम और सूजी बेडरूम में जाकर खेलो। ठीक है मम्मी। जॉर्ज भी खेलना चाहता है। पेपा और सूजी को पेपा के बेडरूम में खेलना अच्छा लगता है और जॉर्ज को भी। नहीं जॉर्ज, ये खेल सिर्फ बड़ी लड़कियों के लिए है, जाओ और अपने खिलौनों से खेलो। पेपा और सूजी एक दूसरे के साथ खेलना चाहते हैं। मैं एक बहुत छोटी सी परियों की राजकुमारी हूँ। मैं अपनी जादू की छड़ी घुमाने वाली हूँ और तुम्हें एक मेंढक बना दूंगी। जॉर्ज को अपने आप खेलना अच्छा नहीं लगता। जॉर्ज भी खेलना चाहता है। नहीं जॉर्ज, मैं सूजी के साथ खेल रही हूँ, तुम कहीं और जाकर खेलो। जॉर्ज पेपा के साथ खेलना चाहता है, वो अकेला महसूस कर रहा है। जॉर्ज मुझे मदद चाहिए, मैं चॉकलेट चिप कुकीज बना रही हूँ। जरा बोल में से चक्कर बताओ। जॉर्ज को कुकीज बनाने में मम्मी की मदद करना अच्छा लगता है, लेकिन उसे पापा के साथ खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। मैं एक नर्स बनना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, लेकिन हमारा मरीज कौन बनेगा? पेपा और सूजी को डॉक्टर डॉक्टर खेलना अच्छा लगता है और जॉर्ज को भी। पेपा जॉर्ज की धड़कन सुनती है। जॉर्ज अब एक लंबी सांस अंदर लो और फिर खांसो। मुझे लगता है तुम्हारा दिल थोड़ा ढीला है, मैं उस पर एक प्लास्टर लगाती हूँ। मुंह खोलो प्लीज। सूजी जॉर्ज का टेम्परेचर चेक करती है। ओह डियर, तुम्हें बहुत ज्यादा बुखार है, मेरे ख्याल से तुम्हें 3 साल तक आराम करना होगा। डैडी पिग जॉर्ज को देखने आए हैं। ओ नहीं, क्या हुआ है जॉर्ज को? चिंता मत कीजिए, ये सिर्फ खेल है, जॉर्ज हमारा मरीज बना है। ओ समझा, क्या हम मरीज से मिल सकते हैं? सिर्फ थोड़ी देर के लिए, वरना वो थक सकता है। कुकीज। हाँ ये जॉर्ज के लिए है, ये उसकी दवाई है ताकि ठीक हो जाए। माफ करना डॉक्टर, मेरी मदद कर सकती हो? मेरा पेट दुख रहा है, इसमें गुदगुदी होती है। मैं इसके गुड़गुड़ सुन सकती हूँ, मुझे लगता है आपको भूख लगी है। मुझे लगता है अच्छा होने के लिए मुझे बहुत सी कुकीज खानी चाहिए। और मुझे भी। और मुझे भी। और मुझे भी। मम्मी पिग का बर्थडे। आज मम्मी पिग का बर्थडे है। डैडी पिग ने मम्मी पिग के लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। हैप्पी बर्थडे मम्मी पिग। पेपा और जॉर्ज ने मम्मी पिग के लिए बर्थडे कार्ड बनाया है। हैप्पी बर्थडे मम्मी।
ओह, ये कितना प्यारा बर्थडे सरप्राइज है। और भी बहुत सारे सरप्राइजेस मिलेंगे। अपने बर्थडे के ब्रेकफास्ट का मजा ले लो, आराम से खाओ। यम्मी। जल्दी करो, हमें बाकी सारी तैयारी करनी है। डैडी पिग ने मम्मी पिग के लिए बर्थडे केक बनाया है। अब हमें सिर्फ कैंडल्स लगाने हैं। एक, दो। मैं आ रही हूँ। मम्मी पिग ने अपना बर्थडे ब्रेकफास्ट खत्म कर लिया। मम्मी आ रही है। ओह नहीं, हम अभी तैयार नहीं हैं। कौन है? मैं हूँ मम्मी, क्या मैं अंदर आऊँ? नहीं नहीं। यहाँ पर कुछ सीक्रेट चल रहा है क्या? नहीं, कुछ भी तो नहीं, लेकिन तुम अंदर नहीं आ सकती। अच्छा। मम्मी पिग, तुम आराम से हॉल में जाकर बैठ क्यों नहीं जाती? हाँ, ये अच्छा है। वैसे भी तुम्हारा बर्थडे है। ठीक है पेपा, मुझे पता है सोफा कहाँ रखा है। ये लो एक अच्छा सा मैगजीन। थैंक यू पेपा। और प्यारा सा म्यूजिक सुनो। थैंक यू पेपा। हमें उतनी कैंडल्स चाहिए जितनी मम्मी की उम्र है। एक, दो, तीन। ओ नहीं, हमारे पास उतनी कैंडल्स नहीं है। डैडी, मम्मी कितने साल की है? मैं तुम्हारे कान में बताता हूँ। वाव, बहुत बड़ी है। हो, मुझे लगता है 3 कैंडल्स काफी हो जाएंगी। मम्मी पिग का बर्थडे केक तैयार है। हुरे! हमें और कुछ नहीं, बस अब हॉल की सजावट करनी है। हेलो मम्मी। ओह, आ गए तुम लोग, मैं थोड़ी बोर हो रही थी। मम्मी, क्या आप गार्डन में एक वॉक लेना चाहेंगी? क्या मेरे पास और कोई रास्ता है? नहीं। बाय बाय मम्मी, अच्छा सा वॉक लेना, हम आपको जल्दी बुला लेंगे, ठीक है? मैं तो भूल ही गई थी कि बर्थडे पर कितना काम करना पड़ता है। डैडी पिग, पेपा और जॉर्ज हॉल को सजा रहे हैं। मजा आ रहा है। दादा और दादी पिग मम्मी पिग का बर्थडे मनाने आए हैं। हैप्पी बर्थडे मम्मी पिग। क्या तुम अंदर नहीं आ रही? ओह, मैं अभी अंदर नहीं आ सकती, डैडी पिग, पेपा और जॉर्ज मेरे बर्थडे के लिए कुछ सीक्रेट कर रहे हैं। ओह अच्छी बात है, बाद में मिलते हैं। बाय। मम्मी, क्या आप अंदर आना चाहोगी? हाँ बिल्कुल आऊंगी। आंखें बंद करो। अपनी आंखें बंद ही रखो मम्मी। एक, दो, तीन, अपनी आंखें खोलो। हैप्पी बर्थडे मम्मी पिग। कितना प्यारा सरप्राइज है ये। चलो अब कैंडल्स बुझाओ और विश मांगो। मम्मी मम्मी, अपना गिफ्ट खोलो, गेस करो इसमें क्या है। मुझे नहीं पता। तो खोलो और देखो। ये तो बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। आप खूबसूरत हो मम्मी। अब इसे पहन कर किसी अच्छी जगह पर जाना चाहिए। ये क्या है? 2 टिकट्स आज रात के फिल्म के, चलो चलें। थैंक यू। मम्मी पिग को फिल्म देखना पसंद है। मैं और दादी पिग बच्चों को घर पर संभाल लेंगे। हुर्रे! कितना अच्छा बर्थडे है, लगता है मैं दुनिया की सबसे लकी मम्मी हूँ। और खूबसूरत भी। Thank you.